हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैतूल के बारे में। बैतूल मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला मुख्यालय है और यहां पर कई प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम इन स्थलों के बारे में। पहला है कुकरू। कुकरू मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में भैंसदेही तहसील का एक गांव है। यह नर्मदापुरम डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुकरू मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कुकरू की वादियाँ किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ की वादियों के मनोरम नज़ारे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप यहाँ पर काफी के बागान भी देख सकते हैं। कुकरू गांव में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है, जो कि नर्मदा जल विद्युत विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का संयुक्त उद्यम है। आपको यहां पर पवन चक्की भी देखने मिलती है। इसी पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है। यहां पर बुज स्थल कुकरू का एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है, जहां से हरी भरी वादियों का खूबसूरत नज़ारा व सूर्योदय व सूर्यास्त का मनोरम दृश्य भी आप देख सकते हैं। कुकरू के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने और यहां ठहरने के पैकेज के लिए इको पर्यटन बोर्ड ने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की है। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगला है हनुमान मंदिर केरपानी। बैतूल जिला मुख्यालय से यह हनुमान मंदिर लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर में शनिवार को बहुत भीड़ होती है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रतिमा स्वयंभू है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। अगला है पारसडोह बांध। पारसडोह बांध बैतूल के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है। इस बांध में 6 गेट हैं। बारिश में इस बांध का नज़ारा बहुत ही मनलुभावन होता है। जिस समय इसके गेट खोले जाते हैं और जल की धारा तीव्रता के साथ निकलती है, तब यहां का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। पारसडोह बांध बैतूल की अठनेर तहसील से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने व पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। अगला है सालबरडी शिवलिंग गुफा। सालबरडी बैतूल जिले की एक दर्शनीय जगह है। सालबरडी को शिवधाम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर शिव जी की एक गुफा है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। इस शिवलिंग पर पहाड़ से पानी गिरता रहता है। यह पानी कहाँ से आता है, यह किसी को पता नहीं है। यह जगह घने जंगलों के बीच है। इस गुफा तक पहुँचने के लिए आपको ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा। अगला है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी बैतूल जिला का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। मुक्तागिरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के अंतर्गत आता है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल के रूप में पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। यहां पर आपको जैन मंदिर देखने मिलते हैं। यहां पर 52 जैन मंदिर पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। कहा जाता है कि यह जैन मंदिर 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय के हैं। आपको इन मंदिरों तक जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। आपको यहां पैदल ट्रेकिंग करते हुए पहुंचना भी बहुत ही रोमांचक लगेगा। आप यहां पर मंदिर के अलावा बरसात के मौसम में एक जलप्रपात भी देख सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। अगला है बालाजीपुरम मंदिर। बालाजीपुरम मंदिर बैतूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अपनी वास्तु डिज़ाइन और लोगों की आस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान बालाजी को समर्पित है। इस मंदिर की मुख्य इमारत दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रयुक्त वास्तुकला के अनुरूप है। मंदिर में अलग अलग खंड छोटे मंदिरों, भगवान गणेश, राधा कृष्ण, देवी दुर्गा और भगवान शिव की मूर्तियों से मिलते जुलते हैं। मुख्य देवता को लक्ष्मी नारायण के नाम से जाना जाता है। यहाँ बच्चों के लिए एक पार्क भी बनाया गया है। यहाँ पर हूबहू वैष्णो
माता के मंदिर जैसी एक गुफा भी बनाई गई है, जहां आप वैष्णो माता के दर्शन भी कर सकते हैं। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में हुआ है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य नदी है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहा जाता है कि ताप्ती नदी सूर्य की एक अन्य पत्नी छाया की पुत्री और शनि देव और यमराज की बहन है। बहुत से लोग जो शनि की दशा से परेशान होते हैं ताप्ती नदी में स्नान करने आते हैं, जिससे ताप्ती नदी उनके ताप यानी कष्टों को हर ले। कुछ लोग इसे श्रद्धा से ताप्ती गंगा भी कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम एक कुंड से हुआ है। इसके उद्गम स्थल के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं। प्रतिवर्ष ताप्ती नदी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अगला है पांडवकालीन गुफाएं। बैतूल के सालबरडी में स्थित ये प्राचीन गुफाएं देखने काबिल हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ पर पांडव अपने वनवास काल के दौरान रुके थे। यहाँ पर आपको कई गुफाएं देखने को मिलेंगी। ये गुफाएं पत्थर से बनी हुई हैं। आप यहाँ पर गुफा देखने के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी नज़ारा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।